भारत आने वाले समय में आर्मेनिया में डिफेंस अटैचे तैनात करेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बुधवार को बताया कि सैन्य कूटनीति पर ध्यान बढ़ाने के संकेत में भारत आर्मेनिया सहित विभिन्न देशों में अपने कई मिशनों में डिफेंस अटैचे भेजने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत अफ्रीकी देशों इथियोपिया, आइवरी कोस्ट, मोजम्बिक और जिबूती में नए रक्षा अताशे नियुक्त करेगा। यह निर्णय भारत की रणनीतिक भागीदारी का विस्तार करने की प्राथमिकता के अनुरूप है। लिंडी कैमरून को भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश सरकार ने लिंडी कैमरून को भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। लिंडी कैमरून पूर्व ब्रिटिश साइबर विशेषज्ञ हैं एवं कैमरून 2020 से यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति तब हुई है जब यूके और भारत लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत में लगे हुए हैं। वह यूके के उत्तरी आयरलैंड कार्यालय के महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत थीं। रूस ने वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से पहला हैवी लिफ्ट अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। रूस ने गुरुवार को सुदूर पूर्व में वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया, जिसने सोवियत बाद के एक नए प्रक्षेपण यान को विकसित करने के प्रयास के तहत कम कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षण भार डाला। सोवियत संघ के बाद रूस के पहले अंतरिक्ष रॉकेट अंगारा A5 के परीक्षण प्रक्षेपण का उद्देश्य एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने की मास्को की महत्वाकांक्षा और रूस के सुदूर पूर्व के अमूर क्षेत्र के जंगलों में स्थित वोस्टोचन के बढ़ते महत्व को रेखांकित करना था। नासा जापान अग्रिम अंतरिक्ष सहयोग चंद्र रोवर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन और जापान के शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री MIXT मासाहितो मोरियामा ने चंद्रमा के स्थायी मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान चंद्रमा पर चालक दल और गैर चालक दल अन्वेषण के लिए एक दबाव युक्त रोवर को डिजाइन, विकसित और संचालित करेगा। नासा चंद्रमा पर रोवर के प्रक्षेपण और वितरण के साथ साथ जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर यात्रा करने के दो अवसर प्रदान करेगा। स्विट्जरलैंड जून में यूक्रेन शांति सम्मेलन की मेजबानी करेगा। स्विस राष्ट्रपति और विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस ने गुरुवार को कहा कि स्विट्जरलैंड जून के महीने में एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें 100 से अधिक देशों को 2 साल से अधिक समय के युद्ध के बाद यूक्रेन में शांति की दिशा में रास्ता तय करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन करके स्विट्जरलैंड यूक्रेन में न्यायसंगत और स्थायी शांति और यूरोप और दुनिया में अधिक सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करने के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सो व्यूअर्स, आइए देखते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में लिंडी कैमरून की नई भूमिका के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता का क्षेत्र क्या है? रूस के अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का क्या महत्व है? अंतरिक्ष अन्वेषण के संबंध में नासा और जापान के बीच हस्ताक्षरित समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजें।